नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 16 जुलाई 2021 है। 16 जुलाई 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। भारत नेपाल सीमा से सटे किशनगंज समेत सभी जिलों के सीमाई गांवों के दिन अब बढ़ेंगे। सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत 202 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों को मॉडल गांव बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी केंद्र से मिलेगी। बिहार में जिन 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियोजन रद्द किए गए थे, वहां की मेधा सूची भी रद्द कर दी गई। वहां अब नए सिरे से मेधा सूची बनेगी और नियोजन अगस्त में होगी। सरकार का रुख इस मसले पर काफी कड़ा है। इन रद्द नियोजन इकाइयों की जांच के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जवाबदेही तय कर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। बिहार सरकार रोड किनारे दुकानदारी करने वालों के लिए केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत फुटपाथी दुकानदारों को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। सरकार इसके लिए विशेष सर्वेक्षण करवा रही है। आगामी 20 जुलाई तक स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन लिए जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस सर्वे का भागीदार बनने का आग्रह स्ट्रीट वेंडरों से किया है। इस योजना के तहत रोजगार के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के 10,000 रुपये मिलते हैं। बिहार में कोरोना के मामलों में फिर वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 125 मामले सामने आए, जबकि राज्य में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार और बेगूसराय में 2-2 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे कोरोना का भय लोगों के अंदर से नहीं जा रहा है। पूर्वी चंपारण के कौड़िया पंचायत में एक साथ माँ बेटे की अर्थी निकली। पूरे गाँव का माहौल गमगीन है। हुआ यूं कि उक्त गांव के युवक अखिलेश मुखिया की मौत हरियाणा में हो गई। वह वहां मजदूरी करता था। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां सुनैना देवी को ऐसा झटका लगा कि सदमे में उसने भी दम तोड़ दिया। इधर बेटे की लाश आई, एक साथ मां बेटे की अर्थी उठी। समस्तीपुर में पदस्थापित रेलवे के इंजीनियर पंकज कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी गई। वारदात मोकामा में घटी। मृतक मोकामा के सकरवार टोला का रहने वाला था। समस्तीपुर के महदीनगर निवासी राजन कुमार महतो को पूर्णिया जिले के 22 थाना क्षेत्र के हरेरामपुर में शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसका स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया है। जब्त शराब 500 लीटर के करीब बताई गई है, जो बंगाल के दालकोला से 22 के रास्ते समस्तीपुर ले जाया जा रहा था। शराब तस्करी में लिप्त कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी आज यानी 16 जुलाई से 2 दिनों के दौरे पर सीमांचल एरिया में रहेंगे। वे सीमांचल के जिलों में चल रही पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेंगे। मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने घूस लेने के आरोप में उदा किशनगंज एसडीपीओ के लीडर संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पटना में एक पानी फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वहां नकली बिसलड़ी बोतल बंद पानी तैयार किया जा रहा था, जबकि उक्त फैक्ट्री का लाइसेंस डिवाइन स्प्रिंग के नाम से था। यह फैक्ट्री गांव में चल रही थी और सप्लाई शहरों में हो रहा था। बिहार के अन्य शहरों के अलावा इस पानी का सप्लाई बिहार से सटे देश नेपाल में भी हो रहा था। इस उद्भेदन के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है। पटना गया रेल खंड पर जहानाबाद और अरवल का 2 युवक ट्रेन से गिर गया। दोनों चलती ट्रेन के नीचे आ गए। दोनों की मौत वहीं हो गई। एक का नाम मुकेश और दूसरे का नाम पप्पू यादव बताया गया। भागलपुर में टूटा पुल के पास गोलीबारी कर एक बिहार पुलिस के जवान से अपराधियों ने लूटपाट की। गोलीबारी में सिपाही बाल बाल बच गए। पीड़ित जवान गया में पोस्टेड हैं। वो अपने भतीजा के साथ दरियापुर लगार गांव से ट्रेन पकड़ने भागलपुर आ रहा था। DRI की पटना और मुजफ्फरपुर टीम ने काजी झंडा टोल प्लाजा के पास से 1,000 किलो गांजा जब्त किया है। बरामद गांजा की कीमत 1.5 करोड़ आंकी गई है। गांजा ट्रक पर लाई जा रही थी। ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। 3 करियरों को भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक आंध्र प्रदेश से समस्तीपुर के लिए चली थी। बेगूसराय में महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। गोपालगंज के भोरे स्थित वायरलेस मोड़ पर हथियारबंद अपराधियों ने एयरटेल पेमेंट बैंक संचालक से 3,94,000 रुपया लूट लिया। पटना से गोपालगंज के भोरे जा रहे एक सरिया लदे ट्रक बोलेरो सवार अपराधी भगा कर लेकर चले गए। ट्रक ऑनर सह ड्राइवर को बोलेरो में बिठाकर अगवा कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। घटना जिगना ढाला के पास घटी बताई जाती है।
जहानाबाद के अरवल चौक समेत विभिन्न जगहों पर सघन वाहन चेकिंग की गई। बिना हेलमेट वालों की और बिना मास्क वालों को फाइन किया गया। पोखर में नहाने के क्रम में अररिया जिले के भड़किया पंचायत में 4 बच्चे डूब गए। इनमें से 2 की मौत हो गई और 3रा गंभीर अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। गोपालगंज के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत कोइसा खुर्द गांव में लक्ष्मण साह के घर चोरी हो गई। यह घटना दिन के उजाले में घटी। चोरों का स्टाइल बड़ा ही अजीब था। घर का दरवाजा बंद कर घर के लोग कामत पर गए थे, जहां मवेशी पाला जाता है। जब घर के लोग शाम में घर आए तो दरवाजा खुला और बिखरा सामान देख हक्का बक्का रह गए। घर से करीब 1.25 लाख के गहने और 15,000 रुपये चोरी कर चोर चलते बने। चोरी की ऐसी घटना एक सबक है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो घर पर एक जिम्मेदार आदमी जरूर रहें, देखभाल करते रहें। अपराध की दुनिया में पहले मर्दों वाली बात होती थी, यानी मारपीट और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने में भी अपराधी अथवा हत्यारे कथित तौर पर आपराधिक मर्यादा समझते थे। आज के समय में वो सब ध्वस्त है। पहले के अपराधी सुप्तावस्था में किसी की हत्या नहीं करते, अगर ऐसा करते भी तो सो रहे व्यक्ति को जगा देते थे। बंद घर अथवा खिड़की से किसी के ऊपर वार नहीं किया जाता था, यानी पहले के समय में चोरों डकैतों और अपराधियों के पास नीति सिद्धांत होते थे। आज सब धन 22 पसेरी है। हम आपको बिहार के बेगूसराय जिले के हत्या की 2 घटनाओं को बताते हैं। दोनों ही घटनाओं को हत्यारों ने कितनी कायरता से अंजाम दी है इससे पता चल जाएगा। पहली घटना नौकोठी गांव की है। वहां छत पर सो रहे शिवनंदन सहनी को गोलियों से भून डाला गया। दूसरी घटना तेघड़ा की बताई गई। वहां भी घर में सो रहे विकास कुमार को खिड़की से गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इन दोनों घटनाओं ने खलबली मचा दी है। ये दोनों हत्या की घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण अब तक नहीं मिला है, लेकिन हत्यारों का शॉर्ट टेम्पर जरूर दिखा है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।